बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि वो दुनिया के अलग अलग देशों में घूमें। ऐसा करने के लिए लाखों रुपए और एक लंबी उम्र खर्च हो जाती है। कई बार दुनिया के कुछ देश घूमने में ही लोगों की आधी उम्र गुजर जाती है। ऐसे में अगर आपको पता चले कि 11 महीने का एक बच्चा 23 देश घूम चुका है तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? जाहिर सी बात है, आप कुछ समय के लिए चौंक जाएंगे, लेकिन ये हकीकत है। एक बच्चा जो अभी सिर्फ 11 महीने का है, उसे दुनिया के 23 देशों की सैर कर ली है। बता दें कि ब्रिटेन के रहने वाले बेक्स लुईस और विल मॉन्टगोमरी, जो कि बच्चे के माता पिता है, वो भी घूमने के खूब शौकीन हैं। बेक्स और विल इन दिनों भी वर्ल्ड टूर पर हैं। लगभग 11 महीने पहले शुरू हुआ इनका ये वर्ल्ड टूर इनके बेटे को मशहूर बना रहा है। बेक्स और विल ने अपने बेटे का नाम भी एटलस रखा है। जब एटलस सिर्फ 6 हफ्ते का था, उसी वक्त बेक्स और विल दुनिया की सैर पर निकल गए थे और ये टूर अभी भी जारी है। यही वजह है कि एटलस अब दुनिया का सबसे छोटा टूरिस्ट बन गया है। बच्चे के माता पिता का कहना है कि जब वे नॉर्वे की यात्रा पर थे, तब उनके बेटे एटलस के दांत निकलने शुरू हो गए थे। उसके खाने की शुरुआत फ्रांस में हुई थी। इस कपल ने दुनिया घूमने के लिए फ्लाइट की मदद नहीं ली है। इन्होंने अपनी एक वैन बनाई है जिसमें घर जैसी सुविधाएं हैं। इसी वैन में बाथरूम, डिनर टेबल और सामान रखने के लिए अलमारी भी मौजूद है। यही वजह है कि कपल मजे से पूरी दुनिया घूम रहा है। कौन कौन से देश में घूम चुका है एटलस? एटलस इटली, फ्रांस, नॉर्वे, डेनमार्क, क्रोएशिया, सैन मरीनो, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड जैसे कई देशों में घूम चुका है।